जब ये कुछ कहती हैं, जब कुछ भी बोलती हैं, तो हमें खुद एक अंदर से एनर्जी आती है, ऐसा लगता है कि नहीं, जब ये इतनी बुजुर्ग होकर इस चीज को कर सकती हैं, तो हम लोग क्यों नहीं इसको कर सकते। कहते हैं जहां चाह वहां रह, इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, फिर उसकी उम्र या कोई शारीरिक चुनौती भी उसका हौसला नहीं तोड़ पाते। ताजिंदगी सामाजिक बुराइयों की कड़ी तोड़ने में लगी रही कलावती जोशी 73 साल की उम्र में भी उसी जोश और उमंग के साथ इस काम में जुटी हैं। आज सिर्फ अपने प्राकृतिक सौंदर्य से ही नहीं, बल्कि उन लोगों से भी पहचाना जाता है जिन्होंने इस प्रदेश को एक नई पहचान दी है। ऐसा ही एक नाम है कलावती जोशी, जिन्होंने इस क्षेत्र में फैली कुरीतियों और नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। वो न सिर्फ अपने आस पड़ोस के लोगों को बल्कि गांव-गांव जाकर उन महिलाओं को भी शिक्षित करती हैं जिनके परिवार के लोग नशे और कुरीतियों में जकड़े हुए हैं। मेरा ये मानना है कि हर घर में हर महिला सतर्क रहे कि शराब से बचने की कोशिश की घर में न आए। 73 साल की कलावती जोशी को समाज सेवा और देश प्रेम का जज्बा विरासत में मिला। उनके माता पिता ने भी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। छोटी सी उम्र में ही घर के माहौल ने कलावती के मन पर ऐसी छाप छोड़ी कि उन्होंने समाज सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। मेरे पिताजी राजनीतिक पीड़ित और इनको जेल भी भेजा, हमारी ऐसी बुरी हालत हो गई, और जब ये देश के लिए लड़ रहे हैं तो मैं समाज के लिए क्यों नहीं लड़ूं, मैं क्यों नहीं देश के लिए भी लड़ूं। जैसे जैसे कलावती बड़ी हुई, उन्होंने के गांवों में फैली कुरीतियों और नशे के कारण पुरुषों से पीड़ित महिलाओं को मुक्ति दिलाने का फैसला किया। शुरुआत हुई औरतों की स्थिति सुधारने से। घर घर में ये चीज होनी चाहिए, हर घर में घर की महिलाओं ने देखना चाहिए कि घर में शराब ना, तब तो बच्चे भी समझ सकते हैं, तब घर की व्यवस्था भी ठीक। हमने बाहर चिल्ला दिया तो इससे कुछ नहीं होगा, चाहे हम बड्डी तोड़े चाहे कुछ करें। कलावती का मानना है कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए जरूरी है उन्हें शिक्षित करना और लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव मिटाना। उन्होंने भ्रूण हत्या के खिलाफ गांव-गांव में चेतना फैलाने का सिलसिला भी शुरू किया। पेशे से शिक्षिका कलावती 1993 में सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुई, पर उन्होंने समाज सेवा की राह नहीं छोड़ी और इसी दौरान कलावती के कर्मठ और समाज के प्रति उदारता को देख आज कई समाज सेवी संगठन भी उनसे जुड़ गए हैं। किसी भी काम के लिए हमारे अंदर एनर्जी डेवलप होती है, जब ये कुछ कहती हैं, जब कुछ भी बोलती हैं, तो हमें खुद एक अंदर से एनर्जी आती है, ऐसा लगता है कि नहीं, जब ये इतनी बुजुर्ग होकर इस चीज को कर सकती हैं, तो हम लोग क्यों नहीं इसको कर सकते। और सबसे बड़ी बात है जोशी जी की, वो यही कि वो अब कर्मठ है और बिना किसी अपने व्यक्तिगत हितों को दरकिनार करके उन्होंने सामाजिक हित में अपने आप को पूरी तरह से झोंका है। अब कलावती गांव-गांव जाकर लोगों से मिलती हैं और उन्हें समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती हैं। आज गांव इनकी पहल से, इन कुरीतियों से निकलकर विकास की ओर बढ़ चुके हैं। इन सब के बदले अगर कलावती को कुछ मिलता है तो वो है लोगों का प्यार और सम्मान। अब कलावती इन गांव वालों के लिए प्रेरणा की मिसाल बन चुकी है और गांव वाले भी इनके दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। हमें इनसे प्रेरणा मिलती है कि लड़कियों को भी अपने पांव पे खड़े होने चाहिए, उन्हें भी अधिकार है कि समाज में आगे बढ़ने का अधिकार है उन्हें भी। मतलब बच्चों में लड़की हो लड़का हो सब बराबर रखने चाहिए, पालन पोषण में, पढ़ाना लिखाना में, सब कुछ में मतलब बराबर करना चाहिए, लड़की लड़का में कुछ फर्क नहीं करना चाहिए। इनके इस निस्वार्थ सेवा से आज उनके परिवार के सभी लोग खुश हैं और वो भी इनके साथ समाज सेवा में योगदान कर रहे हैं। परिवार का हर सदस्य आज उन्हें अपना आदर्श मानता है। उन्हें गर्व है कि कलावती समाज के प्रति ऐसी जिम्मेदारी निभा रही हैं जिसे बहुत कम ही लोग निभा पाते हैं। मैंने इनको पाया कि इन्होंने हमेशा अपने साथी को प्राप्त करने के लिए, उचित साथी को प्राप्त करने के लिए हमेशा उचित साधनों का प्रयोग किया। उस बीच में अगर कोई विघ्न बाधाएं भी आई तो उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। अन्याय के खिलाफ उन्होंने हमेशा संघर्ष किया, जो मुझे भी हमेशा प्रेरणा देता है। जैसे ही ये समाज के लिए सेवा करती हैं वैसे ही मैं भी करना चाहती हूँ, और स्टार्टिंग से ही मेरा ये मन रहा है कि
लोगों के लिए जितनी सेवा कर सकूं उतनी करूं। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा और बुराइयों के खिलाफ मुहिम में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए कलावती जोशी को रेड एंड व्हाइट बहादुरी की सामाजिक श्रेणी के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। कलावती जोशी के लिए अभी भी बहुत काम बाकी है और समय बहुत कम, पर इस उम्र में भी उनका ये जोश प्रेरणा देता है। यदि चाह है तो राह भी है। इस उम्र में जब इंसान खुद दूसरों पर आश्रित हो जाता है, कलावती आज भी औरों का सहारा है, उनकी मसीहा है। और कलावती जैसे ही लोग इस बात को वजन देते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जांबाज में एक ब्रेक के बाद हम मिलेंगे रेड एंड व्हाइट बहादुरी पुरस्कार पाने वाले कुछ और जांबाजों से।